उदयपुर के सेवाश्रम चौराहे से एक बड़ी खबर है, जहां कुछ उच्च के बदमाशों ने राह चलते स्टूडेंट को मामूली बात पर पीट दिया। आरोपियों ने स्टूडेंट को इतना पीट दिया कि स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल बीती रात करीब 11 बजे तीनों स्टूडेंट सेक्टर 3 से सेवाश्रम की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से एक बिना नंबर की कार उन्हें ओवरटेक करती हुई आई, जिस पर तीनों बाइक सवार स्टूडेंट ने उन्हें सही से गाड़ी चलाने की हिदायत दे दी, जिस पर कार सवार बदमाश इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने उन तीनों स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपियों ने गुंडाई दिखाते हुए पहले तो बाइक का पीछा किया, उसके बाद कार से बाइक को कुचलने का प्रयास भी किया। फिर सेवाश्रम पर स्टूडेंट की गाड़ी रोककर पहले तो इन्हें चाकू दिखाया, फिर तीनों स्टूडेंट को सरियों और डंडों से मार मार कर बुरा हाल कर दिया। तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल है, जिनको उदयपुर के प्राइवेट कनक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि तीनों स्टूडेंट बाड़मेर के हैं, जो उदयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तीनों स्टूडेंट्स दीपांशु चौधरी, गोपाल विश्नोई और युवराज विश्नोई में गोपाल विश्नोई की हालत बहुत अधिक गंभीर बताई जा रही है। वहीं तीनों स्टूडेंट का कहना है कि उन्होंने कार में सवार बदमाशों से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी आरोपी उन्हें डंडों और सरियों से पीटते रहे। काफ़ी देर तक बीच सड़क पर ही ड्रामा चलता रहा। इसके बाद कार सवार युवकों ने सेवाश्रम चौराहे पर कार रोककर तीनों छात्रों के डंडे और सरियों से पिटाई कर दी और उनके हाथ पैर तोड़ दिए। घटना का पूरा क्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं छात्र दीपांशु चौधरी ने इस संबंध में भोपालपुरा थाना में परिवाद देते हुए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पीड़ित युवकों ने शिकायत में बताया कि उन्होंने कार सवार युवकों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन एक बदमाश ने दीपांशु चौधरी के गर्दन पर चाकू रख दिया और उनके ऊपर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया। इससे बचने के लिए तीनों आगे की तरफ भागे, लेकिन बदमाशों ने गोपाल विश्नोई को पकड़ लिया और उसकी सरियों से पिटाई कर दी। इससे उसका पेट टूट गया। वहीं बेहोशी के हालात में गोपाल को हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। इधर सरयाम रोड पर देर रात हुए इस घटनाक्रम ने पुलिस की नाकाबंदी और रात्रि गश्त पर भी सवाल उठाए कि घटना के वक्त पुलिस कहाँ थी। इस रिपोर्ट में इतने, मैं कृतिका शाह, आप देख रहे सीबीसी न्यूज़ राजस्थान।